यस गुड इवनिंग एवरी आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको वेबसाइट को किस तरीके से ओपन करना है और वेबसाइट पर क्या क्या चीजें आपको मिल सकती है तो सबसे पहले आपको जाना है ग्लोबल वर्ल्ड अकेडमी डॉट कॉम मैं यहाँ पर लिख रही हूँ राइट ग्लोबल वर्ल्ड अकेडमी डॉट कॉम आपको इस पर जाना है इस पर जाने के बाद आपको ये फ्रंट पेज दिखेगा इसे होम पेज बोला जाता है ये होम पेज आपको, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा राइट right, ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल वर्ल्ड अकेडमी डॉट कॉम ठीक है ये आपका पूरा होम पेज है ये जो आपके सामने दिख रहा है ये पूरा होम पेज खुला हुआ है इसमें आप अबाउट पर जाकर अपनी पूरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं वेबसाइट से रिलेटेड सारी चीजें स्टेट एग्जाम में जाकर आप किसी भी स्टेट की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं चाहे वो रीट के लिए हो एम पी टेट के लिए हो एम पी पुलिस के लिए हो यहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोई भी अदर एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी और आप यदि व्हाट्सअप के थ्रू या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके कनेक्ट हो सकते हैं अभी सबसे पहले जो डाउट आ रहा है कि टेस्ट वगैरह वेबसाइट पर जाकर कैसे लगाए जाते हैं वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं देखो कल जो एक स्टेटस यहाँ पर अपडेट किया गया था उसमें जो हम लोग अभी पर्यावरण अध्ययन को पढ़ रहे हैं ना कि सोशल एवल्स क्या होते हैं सामाजिक बुराइयां क्या होती है तो वो लेटेस्ट पोस्ट आपको यहाँ पर दिखा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट पोस्ट के अंदर आ रही है सबसे पहले जो दिखाया गया था सामाजिक बुराइयां ठीक है जब आप इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे अभी मैं यहाँ पर इस पोस्ट पर क्लिक करने वाली हूँ ये जो आपको दिख रहा है ये यह मैंने यहाँ पर क्लिक किया है जैसे ही मैंने इस पोस्ट के ऊपर क्लिक किया सामाजिक बुराइयों के ऊपर क्लिक किया पूरे नोट्स आपके यहाँ पर आ गए सामाजिक बुराइयाँ सोशल लेवल्स क्या होते हैं यदि आप इनकी वीडियो क्लासेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी वीडियो क्लासेस भी अपलोड की गई है लाइक क्लास वन आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे क्लास टू और क्लास थ्री आपको लग रहा है कि हाँ हमको वीडियो भी देखना है साथ के साथ तो आप यहाँ पर वन बाय वन करके लिंक पर क्लिक करके अपनी क्लासेस को भी विजिट कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से कुछ आपकी क्लास ओपन हो जाएगी जो कि कल लो के सेशन में आज मॉर्निंग सेशन में आपने अटेंड करी थी और प्रीवियस जो क्लासेस हुई है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल है फिर कुछ थ्योरी यहाँ पर बताया गया सारा थ्योरी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स दिए गए ताकि आप पूरा वीडियो देखने के बाद शॉर्ट में यदि रिविजन करना चाहते हैं या कोई भी पॉइंट आपका मिस हो गया है तो आप यहाँ पर आकर रिविजन कर सकते हैं ठीक है फिर शॉर्ट में जो आपको डाउट आ रहे थे कितने सारे नियम कानून हम लोग कैसे याद करेंगे तो उसके लिए फिर यहाँ पर सारे शॉर्ट में जितने भी नियम कानून थे वो शॉर्ट में इस तरीके से पॉइंट

तो देखो यहाँ पर सबसे पहली पोज थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे वन बाय वन करके आपको सारी पोज दिखाई देगी सबसे पहले सामाजिक बुराइयों वाला हमने देख लिया दूसरा हम लोग आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के ऊपर ये आपको बता रहा है प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो कि सी टेट एमपी टेट रीट किसी भी एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल हो सकते हैं ठीक है अब मैं यहाँ पर क्लिक करने वाली हूँ ये जैसे आपको दिख रहा है सेकेंड नंबर पर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है जैसे ही क्लिक किया ये आपका ओपन हो गया सी डी पी सेशन सी डी पी क्वीज़ सेशन है ये इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए आईई का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होता है को थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं शायद अगर अच्छे से स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही होगी तो ये देखो ठीक है आईईपी क्या होता है देन आपसे ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे आपको इन क्वेश्चन का आंसर करना था देन नीचे आपके आंसर दिए गए थे ठीक है दस क्वेश्चन सॉल्व करिए दस क्वेश्चन का आंसर देखिए और स्कोर देखिए कि कितना स्कोर आपका है और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के अंदर जा सकते हो जैसे ही आप इस वीडियो को प्ले करेंगे आपका यहाँ पर क्वीज़ सेशन स्टार्ट हो जाएगा राइट तो ये इस तरीके से पूरा अरेंज किया हुआ है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम लोग वीडियो नहीं देख पाते टाइम पर क्लास में नहीं आ पाते तो आप यहाँ पर जाकर भी सारे वीडियोज़ को देख सकते हो फिर तीसरा जो आपको सेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट हम लोग ओपन कर चुके सामाजिक बुराइयों वाला सेकंड हम लोगों ने कर लिया थर्ड वाला आपका रीट एम्पिटेट मैथ्स पैडागोजी थ्योरी प्लस क्वीज़ करके इसमें आपके लिए रखी गई थी क्वीज़ जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं जो कि एथ ऑफ एप को आया था इसमें आप यहाँ पर देखेंगे आपके लिए वीडियो रखा हुआ है फर्स्ट में आपको बताया गया मैथ्स पैडागोजी है क्या क्या है इसके अंदर ग्लोबल वर्ल्ड आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है वीडियो की लिंक यहाँ पर दी हुई इस लिंक पर क्लिक करके या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पर भी आराम से वीडियो को देख सकते हो जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे आपको वीडियो देखने के बाद थ्योरी पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करना है राइट right? आंसर साथ के साथ दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन आपके लिए रखे गए थे पंद्रह क्वेश्चन समथिंग है यहाँ पर पंद्रह ही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना थे ठीक है तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जितने भी थ्योरी सेशंस आप देखते हैं थ्योरी सेशंस के साथ साथ आपको बैठकर कर यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से साइंस का क्वीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल है साइंस का वीडियो देखिए देन उसके बाद उसकी क्वीज़ कंप्लीट करिए कि तो इस तरीके से बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है आप चाहे तो सी के जो टॉप सिक्सटी क्वेश्चन सी के लिए बनाए गए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नॉर्मल ई का वन लाइनर सीरीज भी अवेलेबल है ठीक है आप आराम से वीडियो देखिए देन उसके बाद सीरीज़ के क्वेश्चन को आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं देन यहाँ पर मैथ्स पैडागोजी का थ्योरी सेशन जो हम लोगों ने किया था जो कि नाइन्थ क्लास के बुक से बनाया था वो भी यहाँ पर अवेलेबल है ठीक है तो वन बाय वन करके आप सारे सेशनस को यहाँ पर देख सकते हैं राइट ई की वन लाइनर सीरीज को यदि आप यहाँ पर ओपन करते हैं ई वन लाइनर सीरीज करके तो यहाँ पर आप पूरा वन लाइनर सीरीज़ के वीडियोस को देख सकते हैं वन टू थ्री फोर पार्ट करके और साथ ही इसके यहाँ पर डिटेल में आप देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का पी भी मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे पी डाउनलोड तो ये आपका पी इस पर क्लिक करने से पी आपका डाउनलोड हो जाएगा ठीक है तो आपको डेली वेबसाइट को विजिट करना है डेली वेबसाइट पर आपका कुछ ना कुछ क्वीज़ हमेशा अवेलेबल होता है और यदि आपको वीडियो सेशनस अच्छे लग रहे हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपने नेम के साथ कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको वेबसाइट पर सही लग रही है ठीक है हाल फिलहाल इतनी चीज़ें अपलोड कर दी गई है तो इनको आप देख सकते हैं और धीरे धीरे पूरी वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए स्टेट वाइज सिलेबस वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप हमसे मेल कर सकते हैं मेल आईडी आपके अवेलेबल है डाउट आपके मेल आईडी पर आप भेज सकते हैं चैट करने के लिए ये जो वी आर रेडी दिख रहा है यहाँ पर जाकर आप हमसे चैट भी कर सकते हैं ओके okay? तो इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल रहेगी कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसके अंदर और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको दिखा रहा है कॉन्टेक्ट का पेज यहां पर आपका रखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर कोई भी डाउट होने पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डाउट जो कि आपके सेशन से रिलेटेड है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं सोनाली एट द ग्रेट ग्लोबल वर्ल्ड अकेडमी डॉट कॉम आपके डाउट जो रहेंगे यहाँ पर हमेशा सेव रहेंगे और जब भी डाउट क्लास होगी हम लोग आपके डाउट को सबसे पहले लेंगे ठीक है तो डाउट सबसे पहले यदि आप अपने सॉल्व करवाना चाहते हैं तो इसी मेल आई पर आप शेयर करें ओके चलिए ठीक है और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं उस डाउट को हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर देंगे बाकी जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि टेस्ट कैसे सॉल्व किए जाते हैं कहाँ पर जाकर टेस्ट लगाया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से आपको अभी यहाँ पर टेस्ट लगाने होते हैं ओके और किसी भी प्रकार की कैटेगरी में जाने के लिए आप यहाँ पर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं लाइक आपको पर्टिकुलर सिर्फ एम पी के लिए ही पढ़ना है तो एम पी से रिलेटेड जितने भी नोट्स है वो आपके सामने आ जाएंगे पर्टिकुलर आप सिर्फ रीड के लिए पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ रीड के लिए जो कोर्सेस है वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे और कोई भी कोर्स यदि आप बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके एट डबल सेवन जीरो एट जीरो थ्री एट फोर जीरो राइट इस पर व्हाट्सएप करके आप किसी भी प्रकार के नोट्स की जानकारी ले सकते हैं नोट्स में आपके मैथ्स पैडागोजी के नोट्स अवेलेबल हैं ठीक है जो ओनली जस्ट रुपीज़ नाइनटी नाइन में आप बाय कर सकते हैं आपके सीडीपी के नोट्स भी अवेलेबल हैं थ्री हंड्रेड रुपीज़ में आप क्वेश्चन सीरीज भी ले सकते हैं और साथ में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और इसी तरीके से आपका ई वी एस के भी कम्प्लीट नोट्स अवेलेबल है ओनली जस्ट थ्री हंड्रेड रुपीज़ में उसमें भी आपके बीस मॉक टेस्ट रहेंगे पैडागोजी के अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे और कंप्लीट ई वी एस का आपका नोट्स रहेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओके okay? तो कोई भी डाउट आता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल थैंक यू फॉर वॉचिंग